हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कायाकल्प। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक डिफरेंट टाइप का आईब्रो लेकर के आ गई हूँ। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का ग्रोथ है। यहाँ तो कुछ हैवी ग्रोथ है और लास्ट आते आते ये लाइट हो गया है, और साथ ही दोनों आईब्रो थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेज है। कई लोगों को ऐसा होता है कि दोनों आईब्रो दो तरह का होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका ग्रोथ काफ़ी है और इस आईब्रो में आप देखिए ग्रोथ थोड़ा कम है। तो चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आज भी आप लोगों को कुछ डिफरेंट बताओ, कुछ नया बताओ, जिससे आप लोग हर एक तरह के आईब्रो बनाने में एक्सपर्ट हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ जो आप देख रहे हैं कि कुछ हेयर जो है ये एकदम स्ट्रेट है ऊपर की तरफ, उसे मैं कट कर ले रही हूँ और ऊपर के हेयर को कैसे निकालना है ये बता रही हूँ, और किस तरह से आप क्लीन आईब्रो बनाएं। मीन्स होता क्या है, सेव तो हो जाता है लेकिन आप क्लीन नहीं कर पाते हैं, तो ये सब कुछ मैं आज बताने वाली हूँ। तो गाइस, ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि ये आईब्रो में यहाँ पे हेयर है और इसमें थोड़ा कम है। आप ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा कम नज़र आ रहा है। तो जब भी आपके पास इस तरह का आईब्रो आए कि आपका दोनों आईब्रो दो तरह का है, तो जो आईब्रो आपको डैमेज दिख रहा है, मतलब जिसमें आपको कमी लग रहा है कि जिसको सुधारने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उस आईब्रो को पहले बनाएं। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ पहले राइट आईब्रो को। राइट आईब्रो से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो इसमें एक्स्ट्रा हेयर है बढ़े हुए स्ट्रेट ऊपर की तरफ, उसे मैं कट कर ले रही हूँ। कट तो मैं ऐसे भी कर ली हूँ और अब मैं यहाँ पर शुरू करूँगी। अब आप कट कर लेने से थोड़ा बैलेंस हो जाता है, देख सकते हैं आप, ये और ये दोनों बैलेंस में, बस यहाँ पे थोड़ा हेयर कम है। तो पहले मैं इसे बना ले रही हूँ और इसके बाद इसके हिसाब से इसे बनाऊंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, धागे को यहाँ पे रखना है, थोड़ा सा दबा कर ये नीचे वाला धागा दबाना है, ऊपर वाले धागे को उसके बाद रखना है, और ये लेफ्ट हैंड को थोड़ा दबाना है। जैसे कुछ लोगों को क्या प्रॉब्लम क्या है कि ये धागा ऊपर ऊपर रहता है, नीचे नहीं बैठता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे धागे को रखना है और ये लेफ्ट हैंड को ऐसे जो है आप ये हल्का ऐसे दबा दीजिए, तो क्या होगा, ये धागा बैठ जाएगा और उसके बाद आप इसे खींचिए। तो इस तरह से क्या होगा, आपका जो धागा ऊपर ऊपर जाता है वो ऊपर ऊपर नहीं जाएगा, आपका स्किन पे बैठेगा। देखिए ये हैंड को ऐसे दबाना है। इस हैंड को जब आप दबाएंगे ना, तो जो हेयर है वो बहुत अच्छे से धागे में आ जाएगा। इतना आने के बाद, आज के पास आने के बाद आपको क्या करना है, धागे को डाउन करना है, यहाँ से बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट तिरछा ऐसे धागे को रखना है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऊपर का सेफ हो गया, साथ ही मैं फॉरहेड भी कर ले रही हूँ, थोड़ा ऊपर क्लीन कर लेंगे, और ये देखिए ऊपर का सेफ हो गया। अब मुझे करना है नीचे का ऊपर। स्ट्रेचिंग पे अब विशेष ध्यान देंगे, आज के पास से ऐसे खींचना है और नीचे से हल्का। अब हमेशा ये ध्यान देंगे कि क्लाइंट से आप बहुत तरीके से स्ट्रेच करवाएंगे, इससे क्या होता है कि आईब्रो का शेप सही समझ में आता है। अगर वो गलत तरीके से खींचेंगे तो गलत ही आईब्रो बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में दो चार बार लेती हूँ गाइडलाइन के लिए। आप ध्यान दें, यदि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा, और यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर, तो आप इसे ध्यान से देखिए कि कैसे मैं बना रही हूँ, किस तरीके से आपको गाइडलाइन लेना है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन लेना है दो चार बार। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइन बना, अब इसी लाइन से आगे बढ़ना है। और इससे थोड़े थोड़े हेयर को लेते जाना है, दो चार बार लेते जाना है उसी लाइन के साथ, और आगे बढ़ते जाना है। इस तरह से आगे बढ़ते हुए मैं आ गई आज के पास। अब देख सकते हैं कि इनका जो है हेयर इधर थोड़ा कम है, तो आप उसी हिसाब से काम करेंगे कि वो पतला भी ना हो और आईब्रो का शेप अच्छा आ जाए। तो यहाँ मैं आज के पास आ गई और इसके बाद मैं यहाँ से ऐसे टर्न कर रही हूँ। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि बहुतों का स्किन थोड़ा फ्लफी होता है, जैसे इनका भी है, तो आप धागे को बहुत ही सावधानी से चलाएंगे ताकि स्किन ना कटे। और जहाँ तक बात है कि क्लीन आईब्रो नहीं बनता है, यानी कि क्लीन नहीं दिखता है, तो आप क्या करेंगे, फिर से बाद में सेव करने के बाद
स्ट्रेच करवा लेंगे और उसके बाद फिर से छोटे छोटे हेयर को आप अलग से निकाल लेंगे, तो इस तरह से आपका आईब्रो जो है वो बहुत ही क्लीन नज़र आएगा। इतना करने के बाद क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे सेंटर को सेंटर में शेप दे रही हूँ। तो सेंटर में जितने भी हेयर है उसे क्लीन कर लेना है। इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे नोज़ के पास से ऐसे धागा को ले जाना है और देखिए इतने दूरी से ही निकालना है, इससे इधर नहीं आना है। तो ये आप एक ले लेंगे गाइडलाइन कि कहाँ से आपको बाल निकालना है सेंटर का, और उतने दूर से निकालना है। इस तरीके से मैं लेफ्ट आईब्रो का भी शेप कर ले रही हूँ फ्रंट का, यहाँ से। अब राइट आईब्रो देख सकते हैं कि जो प्रॉब्लम यहाँ दिख रहा था वो अब नज़र नहीं आ रहा है। और इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से हेयर को करने के बाद ऊपर से कट कर ले रही हूँ ताकि ये शेप अच्छे से नज़र आए। अब सीजर से भी कट करना सीखिए कि किस तरीके से काटना है। बहुत ज़्यादा अंदर नहीं ले जाना है सीजर को, जिस तरीके से धागा ले जाते हैं बस उतना ही ले जाना है। सीजर से कट करने के बाद आपको जो थोड़े बहुत हेयर दिखते हैं उसे भी आप क्लीन कर लें। बस यही सब आप ध्यान देंगे तो आपका आईब्रो बहुत ही क्लीन नज़र आएगा, लगेगा कि बस ये एक ड्रॉ किया हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आईब्रो कैसा नज़र आ रहा है। और ये है आपका आईब्रो, लेफ्ट आईब्रो जो कि अभी नहीं बना है। तो चलिए अब मैं इस पर काम करती हूँ। सामने का हो गया, फ्रंट का हो गया है, फ्रंट से ही खड़े होकर मैं ऊपर का भी शेप कर ले रही हूँ। देखिए कई बार क्या होता है कि आप लोग बोलते हैं कि दोनों आईब्रो सेम नहीं बनता है। अभी क्या है, ये आईब्रो कम था, ये आईब्रो में ज़्यादा था, मीन्स हेयर यहाँ पे ज़्यादा था। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब यहाँ सामने से खड़े होकर बना रही हूँ। अभी देखिए ये ज़्यादा है, अभी भी ज़्यादा है। मैं क्या करूँगी, फिर से ये छोटे से सीजर्स के हेल्प से यहाँ पे कट कर रही हूँ। क्यों कट कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों को मुझे मिलाना है। मैं कट कर ली और उसके बाद फिर से मैं इसे यहाँ क्लीन कर ली, जो भी छोटे हेयर हैं उसे मैं क्लीन कर ली। क्लीन करने के बाद मैं क्या देख रही हूँ, दोनों को मिला रही हूँ, दोनों सेम है या नहीं। थोड़ा सा और है तो थोड़ा सा इसे और हल्का सा कट करना है, बहुत ही कम। थोड़ा सा इसमें भी नज़र आ रहा है, ये सही नहीं दिख रहा है बिकॉज इसमें तो कुछ बाल कम थे ही। तो मैं दोनों को यहाँ पे सामने से खड़े होके मेज़र करना है, देखना है। दूसरा मेजरमेंट का तरीका ये है कि आप यहाँ से धागे को ऐसे रख के देख सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग दोनों का सही है, लेकिन यहाँ से जो ये उठा है ये कम उठा है और इसमें ज़्यादा है। तो इस चीज़ को तो आपको देख के ही करना है। दूसरा चीज़ आप मेज़र कर सकते हैं कि आपका ये आर्च कहाँ गया है और ये आर्च कहाँ जा रहा है। अब धागे को यहाँ स्ट्रेट रखिए, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट रखिए। यहाँ दिख रहा है कि एक हेयर ज़्यादा है, तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक में आपको एक हेयर ज़्यादा लग रहा है आज के पास। तो आप यहाँ से धागे को ऐसे रखेंगे और एक लाइन ऐसे निकालेंगे जिस तरीके से मैं यहाँ निकाल रही हूँ। देखिए आप, मैं धागे के नीचे, धागे के ऊपर बाल है, देखिए इस तरह से करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये हेयर को निकाल देना है इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि दोनों का आर्च लेवल भी सही हो गया और यहाँ भी सही हो गया। तो इस तरीके से आप मेज़र करके दोनों आईब्रो को आप सेम कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको फ्रंट में ही खड़ा रहना होगा। आप फ्रंट से ये काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से मेज़रमेंट कर सकते हैं। इतना करने के बाद अगर चाहें तो मैं पीछे जाके ये सेव कर सकती हूँ और फ्रंट से भी कर सकती हूँ। तो आज मैं फ्रंट से ही कर दे रही हूँ। और अब बच गया सिर्फ लेफ्ट आईब्रो के नीचे का हेयर। लेफ्ट आईब्रो के पीछे आ गई हूँ और उसके नीचे लेफ्ट आईब्रो का नीचे का बनाना है, तो इसके लिए पीछे से ही बनाना होता है। और पीछे से आके सेम उसी तरीके से जैसा कि मैं बताती हूँ, पहले दो चार बाल निकाल के गाइडलाइन बना लीजिए और उस गाइडलाइन से आगे बढ़ते जाइए। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ऑल को भी प्रेस कर लीजिए, ऑल बटन को।
और यदि आप बिगनर्स हैं तो बहुत सारे आईब्रो ट्यूटोरियल डाले हुए हैं मेरे चैनल पे, आप उसे जाके ज़रूर चेक कीजिए और जो भी कमेंट हो आप जोक ज़रूर पूछिए। देखिए अब मैं कहाँ आ गई, आज के पास आ गई। आज के पास थोड़ी सी सावधानी, यहाँ पे आपको राउंड हाथ को थोड़ा सा गोलाई में घुमाते हुए नीचे की तरफ आ जाना है और जो भी एक्स्ट्रा हेयर है उसको लाइन से निकालते चले जाना है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा मोटा है राइट आईब्रो से, तो मैं एक दो बाल यहाँ से निकाल रही हूँ। अब ध्यान देंगे कि एक दो बाल निकालना और मुश्किल होता है, तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, आप धागे को वहाँ पे रखेंगे जितना आपको मोटा चाहिए आईब्रो, जितना पतला चाहिए, और जो भी एक्स्ट्रा हेयर है वो आपके धागे में आ जाएगा और उसे ही निकालना है। यहाँ पे आईब्रो का शेप हो गया और जो भी एक्स्ट्रा हेयर हैं उसे आप क्लीन कर लेंगे अच्छे से। यदि आपसे नहीं होता है तो आप पहले यहाँ पे फिर से थोड़े से टेलकम पाउडर को लगा लेंगे, तब ये जो छोटे छोटे हेयर हैं बहुत इजीली निकल जाएंगे। तो गाइस ये था आईब्रो का फाइनल लुक। आप लोगों को ये आईब्रो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आप क्या क्या जानना चाहते हैं मुझे कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं उस तरह का आप लोग के लिए वीडियो बना के लाया करूँ। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।